गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, होप यू आर फाइन एट होम। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर 5। ओके, सो काइंडली ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 58। ओके, बेसिस एंड क्लाइंस। ठीक है, आपने प्रीवियस में एसिड बेस पढ़ा होगा ना, एंड सॉल्ट के बारे में। तो हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया था, अब बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। बेसिस आर सब्सटेंस दैट कॉन्ट्रैक्ट्स एसिड, कॉन्ट्रैक्ट्स एसिड। यू मे हैव एक्सपीरियंस बेटर टेस्ट ऑफ सोप व्हेन सम सोप लेदर एक्सट्रीम गेट्स इनटू योर माउथ ऑन Your eyes may have smart when some soap leather get into your eyes. ये बहुत hard होता है। The bitterness and the smartening are caused by a chemical known as base. उसको क्या कहते हैं? Base कहते हैं। Okay? अमोनिया इज अ कॉमन हाउस होल्ड क्लीनिंग। अमोनिया जो होता है वो बहुत कॉमन बेस है, जो हमारे घरों में हाउस होल्ड वर्क में क्लीनिंग करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, कास्टिक सोडा इज यूज टू ड्रेन क्लीनर टू रिमूव ग्रेस फ्रॉम द खराब होने से के लिए ना हो, इसीलिए यूज़ किया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ऑल बेसिस हैव अ बेटर टेस्ट एंड अ सोफी फीलिंग। कॉन्ट्रैक्टेड बेसिस आर सिंस स्ट्रॉन्ग एंड क्लाइज आर क्रोजन हैंडलिंग देम विथ केयर दे कैन कॉज ब्लीचिंग। ब्लीचिंग पाउडर यू आर नोइंग वो होता है। एनक्लाइज रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। NaOH plus HCl, NaCl H2O, वाटर जो होता है H2O। यूजेस हैं, कास्टिक सोडा इज यूज इन मेकिंग सोप्स, पेपर, मेडिसिन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर। ओके, इंडिकेटर क्या है? An indicator is a dye that change color when it is put into an acid and alkaline. There are a number of different indicators. अब universal indicator क्या होता है? आइए देखें। आपने pH value strip देखा है? जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है। 1 to 6 होता है एसिड, एंड 8 to 14 होता है बेस। ठीक है, ये ब्लू हो जाता है और ये रेड में रहता है। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया है, पीएच स्ट्रिप्स आर कॉमर्शली अवेलेबल फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर्स इंक्लूज विथ अ इंडिकेटर और अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर। पीएच स्ट्रिप्स आर सिंपलेस्ट वे टू मेजर पीएच। द पेपर इंफ्यूज्ड द विथ इंडिकेटर इज ड्राइड कट इन साइज। यहाँ से आपको बता सकते हैं कि ये पीएच वैल्यू क्या है।
नेचुरल इंडिकेटर क्या है, फ्यू इंडिकेटर आर द प्रेजेंट इन नेचर, नेचर में प्रेजेंट होते हैं उनको नेचुरल बोलते हैं। कैसे, दीज इंडिकेटर्स अकर नेचुरली इन फ्यू प्लांट्स एंड कैन बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द देम। टर्मरिक, ठीक है, क्या टर्मरिक होता है, हल्दी, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। टर्मरिक, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर दैट इज कॉमनली यूज डेली कुकिंग। इट इज नेचुरली येलो इन कलर एंड चेंज टू रेड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, जब प्रेजेंट बेस करेगा तो वो तुरंत चेंज हो जाएगा, किसमें, रेड में। पर्पल कैबेज क्या है, द जूस फ्रॉम पर्पल कैबेज इज अ नेचुरल इंडिकेटर, द जूस इज एक्सट्रैक्टेड बाय द बॉइलिंग ऑफ कैबेज, द पर्पल कलर टर्न रेड इन वेरी एसिडिक सॉल्यूशन एंड चेंज टू ग्रीनिश येलो कलर इन प्रेजेंस ऑफ बेस, जब बेस प्रेजेंट होगा तो वो चेंज हो जाएगा। लिटमस क्या होता है, येट अनदर नेचुरल इंडिकेटर कॉमनली यूज इन लेबोरेटरीज इन इज द लिटमस, इट इज अ वाटर सॉल्युबल पर्पल ड्राइड ऑब्टेन फ्रॉम वीट, इट इज ऑफन इंफ्यूज इन टू फिल्टर पेपर टू मेक रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ओके, चाइना रोज, डहेलिया, ओके, चाइना रोज ऑल्सो नोन एज हिबिस्कस इज अ फ्लावर हूज पेटल्स आर नेचुरल इंडिकेटर, द पेटल्स टर्न डार्क पिंक और मैग्रेटा इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड बिकम ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन। सॉल्ट्स भी होते हैं, सब्सटेंस दैट आर नाइदर एसिड और नॉर बेस इज बट न्यूट्रलाइज्ड कॉल्ड सॉल्ट, ना एसिड होते ना बेस होते बट होते हैं। सॉल्ट्स अकर एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस एंड डू नॉट चेंज कलर ऑफ एन इंडिकेटर। सॉल्ट्स कैन बी सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, वो कभी कभी सॉल्युबल होते हैं और कभी कभी इनसॉल्युबल होते हैं। दस द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। वाटर एंड हीट आर को बाई प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज वाटर फॉर्मिंग रिएक्शन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एज बाई प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज है सॉल्ट की, सॉल्ट इज एन ऑर्डरलेस वाइट क्रिस्टल, सॉल्ट इज हाइग्रोसिक इन नेचर, इट इज सॉल्टी टेस्ट, सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्ट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। यूजेस ऑफ सॉल्ट, सॉइल ट्रीटमेंट में यूज होता है, इन डाइजेशन में होता है, इंसेक्ट बाइट में यूज होता है, डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्रीज में यूज होता है, प्रोटेक्शन ऑफ टीथ में यूज होता है। सॉइल में कैसे होता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। फार्मर्स यूज अमोनिया बेस फर्टिलाइजर्स टू ट्रीट द एसिड सॉइल को ट्रीट करने के लिए। अब इन डाइजेशन कैसे यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक, एसिडिक इन डाइजेशन। ओके, इंसेक्ट बाइट क्या है,
सोडियम सोडा सॉल्यूशन दैट इज बेसिक न्यूट्रलाइजेशन विद एसिड इज कॉल्ड इंसेक्ट बाइट। ये यूज होता है, अब फैक्ट्रीज में भी यूज होता है, फैक्ट्रीज वेस्ट दैट आर एसिड व्हेन डिजॉल्व इनटू रिवर्स अफेक्ट द एक्वाटिक लाइफ हैंस शुड नॉट शुड बी न्यूट्रलाइज विथ बेस बिफोर डिस्पोजल। प्रोटेक्शन ऑफ टीथ, द टूथपेस्ट कंटेन बेसिस दैट न्यूट्रलाइज द एसिड्स फाउंड इन द फ्रूट जूसेस देयर बाय प्रोटेक्टिंग आर टीथ फ्रॉम डिके, मतलब खराब होने में यूज किया जाता है। ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ओके, थैंक यू क्लास फॉर लिसनिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय।